Yes, hello, very good morning everyone. So welcome to the session. Today we are going to study a lot of things. बहुत सारे question करने वाले हैं basically हम लोग आज. So बाहर बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है हाँ. और I have just come anyhow. तो समझ जाओ कितने कष्ट से आज हम आए हैं. तो guys इसीलिए आप लोगों को क्या करना है कि जो भी questions आज पूछे जाएंगे you have to be very accurate. और जैसा कि लिखा हुआ है जुलाई मंथ रिविजन, तो ज़्यादातर क्वेश्चन जो है वो जुलाई महीने के हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं. ठीक है, सो रेडी स्टडी गो. वैसे एक बात बताओ कि अगर मैं ग्रोथ का बात करूँ और साथ ही साथ इन्फ्लेशन का बात करूँ और ये भी बोलूँ कि ग्रोथ और इन्फ्लेशन जो है ना उनमें से दोनों नहीं हो पा रहा है, एक ही हो रहा है. ग्रोथ तो कर रहे हैं लेकिन इन्फ्लेशन भी बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है. तो आप क्या बताएंगे कि ग्रोथ किसका ड्यूटी है और इन्फ्लेशन किसका ड्यूटी है? हाँ जी, ग्रोथ किसकी ड्यूटी है और इन्फ्लेशन किसकी ड्यूटी है? तो बेसिकली ग्रोथ इज द ड्यूटी ऑफ, हमारे देश में ग्रोथ किसकी ड्यूटी है? करंट अफेयर सीरीज कब से चालू हुआ है? 1 साल पहले से चालू हुआ है गौरव सिंह जी. हाँ जी, ये बताएंगे. तो ग्रोथ जो है वो सरकार देखती है ना, और इन्फ्लेशन कौन देखता है? इन्फ्लेशन आरबीआई देखती है. फाइन. सो आज का फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि यूनियन कैबिनेट ने डिक्लेयर किया है एक बिल को कि ये अमेंड करने वाली है कंपटीशन एक्ट. तो आप बता सकते हैं कि किस साल का है ये कंपटीशन एक्ट? क्या ये, आज मैंने 5 ऑप्शन दिए हैं, थोड़ा सा इसको थोड़ा टफ बनाने की कोशिश की गई है. तो आप बता सकते हैं कि ये जो कंपटीशन एक्ट है जिसको अभी अभी केंद्र सरकार इसमें संशोधन करने वाली है, चेंज करने वाली है, ये किस साल का है? बिल्कुल, तो ये जो कंपटीशन एक्ट है ये 2002 का है. इसको याद रखेंगे, कंपटीशन एक्ट 2002 जिसको सरकार अब चेंज करने वाली है. ओके नेक्स्ट, CCEA, मैं हट गई हूँ ताकि आपको दिख जाए पूरा प्रॉपर क्वेश्चन. CCEA ने अप्रूव किया है एडिशनल इन्वेस्टमेंट. ये चाहते हैं कि US डॉलर 1600 मिलियन बाय भारत पेट्रोल रिसोर्स लिमिटेड फॉर डेवलपमेंट ऑफ बीम सील 11 कॉन्सेशंस प्रोजेक्ट. तो ये आप बताएं कि ये सब जो हो रहा है, जो भी हो रहा है, किस कंट्री के साथ हो रहा है? ये सब कुछ आपका हो रहा है ब्राजील के साथ. ठीक है, तो ब्राजील के साथ बेसिकली हम लोग इस प्रोजेक्ट को डेवलप करने वाले हैं और बेहतर. नेक्स्ट, कोई बात नहीं, नहीं पता है तो आप थोड़ा बहुत अब वो कीजिए कोशिश और फिर ठीक हो जाएगा. कोको कोला है साइंड फॉर हुम फॉर लिम्का स्पोर्ट्स प्रमोशन. तो ये जो लिम्का स्पोर्ट्स प्रमोशन है आज, तो लिम्का स्पोर्ट्स प्रमोशन है, या बताइए कोको कोला ने किस स्पोर्ट्स पर्सन के साथ साइन किया है या किस सेलिब्रिटी के साथ साइन किया है? तो ये बेसिकली नीरज चोपड़ा, नीरज चोपड़ा जी, जो कि अभी जो 2022 का कॉमनवेल्थ गेम चल रहा है बर्मिंघम में, नीरज चोपड़ा जी इंजर्ड हैं और इस कारण से ये यहाँ पे पार्टिसिपेट नहीं कर पाए. ओके नेक्स्ट, लूलो रोज, लूलो रोज. ठीक है, तो एक पिंक कलर का डायमंड 300 साल इन विच कंट्री द लार्जेस्ट पिंक डायमंड इन 300 ईयर्स नेम्ड लूलू रोज हैज़ बीन फाउंड. तो लूलू रोज जो है वो 300 साल में अभी तक का सबसे बड़ा पिंक कलर का डायमंड है और इसको खोजा गया है अंगोला में. अंगोला अफ्रीका का कंट्री है. ठीक है नेक्स्ट, आज हम लोग सिर्फ क्वेश्चन आंसर कर रहे हैं तो प्लीज़ टेंशन मत लीजिएगा, मैम ये नहीं समझ में आया, वो नहीं समझ में आया, बस क्वेश्चन आंसर. विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ लॉन्च निफ्टी इट्स फर्स्ट निफ्टी IT इंडेक्स फंड. तो किस कंपनी ने अपना पहला निफ्टी IT इंडेक्स फंड को शुरू किया है? और ये कंपनी क्या, ये आदित्य बिरला है या एक्सिस बैंक है या एक्सिस म्यूचुअल फंड है या एल्डविस म्यूचुअल फंड है, ICICI है या HDFC है? ये है ICICI प्रूडेंशियल. ठीक है, नीति निफ्टी में इसने पहला अपना IT इंडेक्स को अभी फंड शुरू किया है. ओके, दिनेश सहारा फाउंडेशन has instituted a first of its kind दिनेश सहारा lifetime award. तो दिनेश सहारा जो है ये lifetime award for excellence किस फील्ड में दिया जाता है? अभी आपको पता है ये म्यूजिक में दिया जाता है. ओके नेक्स्ट है कि कौन से ऑर्गेनाइजेशन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्पेस और एजेंसी हैज एंटर्ड $279 मिलियन फॉरेन एक्सचेंज बाय लॉन्चिंग सैटेलाइट फॉर ग्लोबल क्लाइंट्स। तो अपने देश में नहीं, दूसरे देश के यहाँ पे ये चीज़ों को लॉन्च कर रहे हैं, तो इसलिए इनको इतना $279 मिलियन मिला है। तो ये है आपका इसरो, ये भारत है और भारत के इसरो ने इतने सारे ग्लोबल सैटेलाइट्स को लॉन्च किया है जिसके कारण इनको $279 मिलियन इन फॉरेन एक्सचेंज मिला है ग्लोबल क्लाइंट से। ओके, नेक्स्ट कौन होंगे फ्लैग बियरर, ध्वज वाहक कौन बने हैं इस बार कॉमनवेल्थ गेम्स में? तो आप बता सकते हैं कि इस बार के जो ध्वज वाहक हैं उनका नाम क्या है, कल भी हम लोगों ने डिस्कस किया था। एक का भी पता होगा तो आप बता पाएंगे। फिर पीवी सिंधु तो हैं ही, लेकिन इनके साथ मनप्रीत सिंह जी भी हैं, ये ध्वज वाहक हैं। कल हम लोगों ने पढ़ा था कि आईसीसी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल में अभी अभी 2 कंट्री ऐड हो चुके हैं। आपको ये जो लिस्ट बना हुआ है ना, इसमें से बताना है कि कौन से जो कंट्री हैं नहीं ऐड हुए, नॉट इन द लिस्ट। तो आपको पता है कि कंबोडिया ऐड हुआ है, उज्बेकिस्तान ऐड हुए हैं, है ना। तो कौन कोटे डिवोर हुए हैं, रशिया और यूक्रेन नहीं हुआ है। तो रशिया और यूक्रेन यानी कि 3 और 4 नहीं हुआ है। तो 3 और 4 नहीं हुआ है तो फिर क्या होगा? तो ये हो जाएगा, अरे कोट डिवोर हुआ है, कल तो तीनों दिखाए थे ना आपको, कंबोडिया, उज्बेकिस्तान और कोट डिवोर। ठीक, नेक्स्ट आपसे पूछा जा रहा है कौन से कंट्री ने अभी अभी, विच कंट्री क्रिकेट ग्राउंड हैज बीन नेम्ड आफ्टर इंडियाज लेजेंडरी क्रिकेटर सुनील गावस्कर। सुनील गावस्कर जी के नाम पे इस कंट्री ने अपने क्रिकेट ग्राउंड का नाम रखा है। और ये कंट्री कौन सा है? ये कंट्री आपका इंग्लैंड। इंग्लैंड ने अपने क्रिकेट ग्राउंड का नाम सुनील गावस्कर जी के नाम पे रखा है। ओके, नेक्स्ट आप देखिए कि अभी अभी हम लोगों में 5 रामसर साइट ऐड हुए हैं। अब मैंने आपको बहुत बार वो बताया है, जो 5 रामसर साइट ऐड हुए हैं, इनमें से कौन सा ऐसा रामसर साइट है जो ऐड नहीं हुआ है? कौन सा रामसर साइट ऐड नहीं हुआ है? फर्स्ट आपका तमिलनाडु का है, सेकंड तमिलनाडु का है, नेक्स्ट आपका मध्य प्रदेश का है। अमन ग्रह तो नहीं सुने थे हम लोग, है ना। तो पाला तो अब मिजोरम का, ये आपको पता ही है, तो ये हम लोग नहीं सुने थे, ये नहीं ऐड हुआ है। ओके, फिर आपसे पूछा जा रहा है कि ओएनजीसी ने एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है विथ विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनी to jointly pursue opportunities in renewable green energy, green ammonia and other derivatives. तो ONGC चाहता है कि हम लोग ग्रीन एनर्जी पे काम करें और इन्होंने अभी अभी ग्रेनको प्राइवेट लिमिटेड के साथ पार्टनरशिप किया है ताकि हम ग्रीन एनर्जी पे काम कर सकें। नेक्स्ट, हु इज द रिचेस्ट वुमेन इन इंडिया विद अ वेल्थ ऑफ ₹84,330 करोड़। तो कल हम लोगों ने ये भी पढ़ा था कि कौन है भारत की, लगातार दूसरे साल भारत की रिचेस्ट विमेन। तो भारत की जो रिचेस्ट विमेन है इनका नाम क्या है? हाँ, रोशनी नादर मल्होत्रा। ओके, आईडेक्स जो कि इनोवेशन का काम करता है डिफेंस, इंटेलिजेंस और एक्सेलेंस के लिए, इन्होंने अपना फ्लैगशिप इनिशिएटिव शुरू किया है और अभी अभी डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस प्रोडक्शन जो कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर आता है, उन्होंने सेरेमोनियल अपना एम्बार्क अपॉन माइलस्टोन साइन किया है। कितनावा माइलस्टोन? कितना नहीं, आज़ादी का अमृत महोत्सव है वो ठीक है, लेकिन कल मैंने आपको बोला था कि आईडेक्स ने करीबन अपना 100 कॉन्ट्रैक्ट्स को साइन कर लिया है, 100 कॉन्ट्रैक्ट्स। कल पढ़े हम लोग इसके बारे में, राइट। चले नेक्स्ट, भारत फोर्थ सब्सिडरी BF इंफ्रास्ट्रक्चर हैज पार्टनर्ड विथ विच कंपनी ताकि भारत में हाई स्पीड मैन्युफैक्चरिंग हो सके स्पीड ट्रेन का। तो स्पीड ट्रेन के मैन्युफैक्चरिंग के लिए हम लोगों ने अभी अभी किस कंपनी के साथ पार्टनरशिप किया है? ये कंपनी है टैल्गो। तो टैल्गो, भारत फोर्थ सब्सिडरी BF इंफ्रास्ट्रक्चर ने टैल्गो के साथ पार्टनरशिप किया है। ओके, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज अनाउंस्ड अ बैंक अश्योरेंस पार्टनरशिप विद सिटी बैंक फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हेल्थ इंश्योरेंस। तो हेल्थ इंश्योरेंस के लिए सिटी बैंक के साथ मिलकर कौन से इंश्योरेंस कंपनी ने शुरू किया है? ये आदित्य बिरला, ये बी पे टिक है तो उसका मतलब ये नहीं है, आदित्य बिरला हेल्थ इंश्योरेंस। ठीक है, नेक्स्ट साकुराजिमा वोल्केनो आया है। ठीक है, वोल्केनो के बारे में आपको पता है कि जब अंदर का मैग्मा जो है वो बाहर आता है, हम लोग उसको लावा कहते हैं, और लावा दो प्रकार का हो सकता है, एसिडिक और बेसिक, तो वो वोल्केनो कहलाता है। और वोल्केनो जो आया है वो किस कंट्री में आया है? ये है आपका जापान। एक बात याद रखिएगा कि सबसे ज़्यादा जो है रिंग ऑफ फेंस में आता है। रिंग ऑफ फेंस का क्या मतलब? जब आप एशिया और इस तरह से मैप देखेंगे, है ना, ये एशिया है, ये क्या हो रहा है? समटाइम्स बहुत कम हो रहा है। ठीक है, ये एशिया है, इसको आप देखेंगे और यहाँ पे जापान है। ऐसे तो जापान एशिया में ही है, लेकिन बाकी का एशिया है। ठीक है, ये वाला जो पोर्शन है ना, इसको हम लोग पैसिफिक ओशन का रिंग ऑफ फायर कहते हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारा वॉल्केनो आता है और बहुत सारा अर्थक्वेक भी आता है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे प्लेट्स हैं, वो एक दूसरे में क्लैश करते हैं, सबमर्ज करते हैं। ठीक है, आरबीआई ने अभी अभी लॉन्च किया है नेशनल कैंपेन विथ अ फोकस ऑन हाउ मेनी स्टेट फॉर मैक्सिमम अमाउंट ऑफ अनक्लेम्ड डिपॉजिट। तो जितने भी डिपॉजिट्स हैं जिसको क्लेम नहीं किया गया है, उसके लिए अभी अभी टोटल 8 ऐसे स्टेट्स को आरबीआई ने फाउंड किया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है क्विक रिएक्शन फाइटिंग व्हीकल मीडियम। ठीक है, तो कौन से, विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज डिराइव्ड एंड इंडिजीनियसली डेवलप्ड क्विक रिएक्शन फाइटिंग व्हीकल मीडियम टू द इंडियन आर्मी? तो किस कंपनी ने अभी अभी इंडियन आर्मी को क्विक व्हीकल मीडियम दिया है? टाटा एडवांस ने अभी अभी इंडियन आर्मी को क्विक रिएक्शन फाइटिंग व्हीकल मीडियम दिया है। ठीक है, कौन सा कंट्री है जिसने डिसाइड किया है कि ये इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से क्विट कर देगा 2024 के बाद? अब देखिए, ये जो भी कंट्री है, आपको लग रहा होगा कि मैम इसमें इतना टेंशन की क्या बात है, बार बार आप ये बात बोल रही हैं कि ये छोड़ने वाला है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। देखिए, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में कौन कौन से कंट्री है? कैनेडा है, ठीक है, कैनेडा है, अमेरिका है, यूरोप है, यूरोप का ऑलमोस्ट पूरा ही है, और जाक्सा है जापान का, और एक और कंट्री है जो छोड़ने वाला है, वो है रशिया। ठीक है, रशिया। अब क्या होता है कि जब इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन चलता है, ये हमेशा लो अर्थ ऑर्बिट में होता है। लो अर्थ ऑर्बिट में जब ये चलता है तो इसमें जो जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है उसको बांट दिया जाता है। जैसे कि जो प्रोपल्शन सिस्टम है, प्रोपल्शन सिस्टम वो जिस तरह से चलता है, वो प्रोपल्शन सिस्टम का रिस्पॉन्सिबिलिटी रशिया का है। अब रशिया कह रहा है कि 2024 में इसको छोड़ देगा, तो जब छोड़ देगा तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा? इस कारण से इवन यूएस भी नहीं चाहेगा कि रशिया इसको छोड़कर चला जाए। ठीक है, हाँ, यश कुमार गुप्ता जी, आप कहीं और जाके एडवर्टीजमेंट करें, यहाँ पे पढ़ाई कर लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट, इंडिया हैज़ कंट्रीब्यूटेड, कितना पैसा दे रहे हैं ये यूएन रिलीफ एंड वर्क एजेंसी पैलेस्टाइन रेफ्यूजी के लिए, जो कि नियर ईस्ट इन सपोर्ट ऑफ यूएन प्रोग्राम है। तो भारत काफ़ी अच्छा, यानी कि 2.5 मिलियन रुपीस, यूएस डॉलर 2.5 मिलियन दे रहा है, रुपीस नहीं, डॉलर। ठीक है, एशियन डेवलपमेंट बैंक ने अभी अभी 96.3 मिलियन रुपीस देने की वादा किया है। ये किस स्टेट को वादा किया है? काफ़ी बार हम लोगों ने डिस्कस किया है गाइस। तो किस स्टेट को वादा किया है पानी के लिए और सैनिटेशन के लिए? ये है हिमाचल प्रदेश, इसको पढ़ चुके हैं हम लोग बहुत बार। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि यूएन मिनिस्टर, देखो आज थोड़ा सा रैपिड फायर है तो इसीलिए आप लोग टेंशन मत लीजिएगा कि मैम बड़ा जल्दी जल्दी बता रही हैं। अब क्वेश्चन आंसर ऐसे ही, और ये सब टाइप के क्वेश्चंस को समझने का कोई ज़रूरत नहीं है, ये ऐसे ही पढ़े जाते हैं, एग्जाम में आए तो भले, नहीं आए तो पढ़ने में कोई हर जाना तो है नहीं। विच ऑफ द फॉलोइंग यूनियन मिनिस्टर हैज़ लॉन्च NDDB मृडा लिमिटेड, अ होली ओन्ड सब्सिडरी कंपनी, और ये नेशनल डेयरी डेवलपमेंट का है। तो ये बेसिकली कौन है? यूनियन मिनिस्टर पुरुषोत्तम रूपाला जो हैं वो इसके यूनियन मिनिस्टर हैं। टेक्निकल की क्लास आज 3 बजे से शुरू होगी। ठीक है, द फाउंडेशन स्टोन ऑफ 8th IT हाईटेक पार्क, जो कि बिल्ड किया गया है इंडियन लाइन ऑफ क्रेडिट, ये किस डिस्ट्रिक्ट में शुरू किया गया है? 8th IT हाईटेक पार्क, ये डिस्ट्रिक्ट है आपका कौन सा? ये डिस्ट्रिक्ट है नाटोड़े, नाटोड़ डिस्ट्रिक्ट। अच्छा ये अब हमको कमेंट सेक्शन में बताइएगा। एक और क्वेश्चन है नाटोड़ से याद आया कि महाराष्ट्र में कल हम आपको बताए थे शायद कि एक कोई मटेरियल है जिसको अलीबाग का है और उसको जीआई टैग मिल गया है, तो क्या बता सकते हैं कि महाराष्ट्र में अलीबाग से किस खाद्य पदार्थ को जीआई टैग मिला है? हाँ डेली चलता है करंट अफेयर्स रोज 8 बजे, बहुत बढ़िया। वाइट प्याज आप लोग बता रहे हैं, वाइट अनियन, एक्सेलेंट एक्सेलेंट। अब मुझे एक बात बताइए कि आपके घर में जो कलर का प्याज आता है वो तो वाइट है नहीं, है ना? तो ऐसा कौन सा एलिमेंट है, कौन सा एलिमेंट है जिसके कारण प्याज को पिंकिश जो कलर मिलता है वो मिलता है? कौन सा चीज है? हाँ ठीक है, नहीं नहीं क्रोमोप्लास्ट तो बेटा कोई भी प्लांट में होता है, ठीक है। और कुछ, कोई भी एक केमिकल चीज जिसके कारण प्याज जो है वो वाइट नहीं होता, पिंक होता है, तो ये जो है चीज मैथ्स की क्लास है, इस क्लास के बाद इंग्लिश है, उसके बाद मैथ्स, ठीक है। नहीं, सल्फर के कारण वो जो पिगमेंट है ना वो सल्फर के कारण होता है, और ये जो अलीबाग का प्याज है ये खाने में एक्चुअली वहाँ का जो सॉइल है उसमें सल्फर का कंटेंट कम है, तो इस कारण से वो प्याज वाइट कलर के हैं और ये खाने में मीठे लगते हैं। साथ ही साथ आप इस प्याज को खाएंगे तो आपको बॉडी में लेप लगाने पे लू नहीं लगेगा, और बाकी सब बातें तो आपको पता ही है, ठीक है। जीआई टैग मिल चुका है, इसको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट है, बहुत सारे बीमारी में काम आता है। तो ये है अलीबाग का वाइट प्याज, ठीक। कौन से सीएम ने अभी अभी पुलिस मॉनिटरिंग ऑफ पेट्रोलिंग बाय पर्सनल, तो पुलिस अटेंडेंस के लिए और रियल टाइम मॉनिटरी के लिए एक स्मार्ट ईबिट सिस्टम को शुरू किया है, स्मार्ट ईबिट सिस्टम को शुरू किया गया है। कौन सा है ये? तो ये आप जानते हैं कि हरियाणा गुरुग्राम, गुरुग्राम एक गाना बजता है यहाँ पे, जैसे वो आपको बजता है ना गाड़ी वाला आया, यहाँ पे बजता है गुरुग्राम, ठीक है। निफ्टी अभी अभी आप जानते हैं कि किसने अनाउंस किया है, तो निफ्टी HDFC म्यूचुअल ने निफ्टी नेक्स्ट 50 और निफ्टी 100 दोनों में अनाउंस किया है कि ये लॉन्च करने वाले अपने जो भी शेयर्स हैं उनको, ठीक है। RBI ने अभी अभी सेंटर का रिक्वेस्ट एक्सेप्ट किया है और नॉन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को, नॉन रेगुलेटरी एंटिटी को कितने परसेंट मोर देन कितने परसेंट ऑफ IDBI बैंक के ये परसेंटेज को या स्टेक को होल्ड कर सकते हैं। तो बेसिकली ये कितने परसेंट है? 40%। तो सेंटर ने रिक्वेस्ट किया है RBI को कि वो अलाउ करें नॉन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस और नॉन रेगुलेटरी एंटिटीज को, ताकि वो IDBI के 40% स्टेक को होल्ड कर सके, ठीक है। S&P काफ़ी बड़ा कंपनी है जो कि रेटिंग देता है, ठीक है। तो S&P ग्लोबल मार्केट इंटेलिजेंस ग्लोबल GDP प्रोजेक्ट इज प्रोजेक्टेड टू स्लो डाउन कितना परसेंट, तो ये स्लो डाउन करने वाला है, ठीक है। क्या टोटल का टोटल, जैसे ये भारत का बताता है लेकिन अभी ये पूरा ग्लोबल GDP बता रहा है कि ये कितना परसेंट स्लो डाउन करेगा। ये 2.7% पहले ये भारत का बताता था, लेकिन अभी ये कह रहा है कि भाई ग्लोबली हम लोग 2.7% यहाँ पे स्लो डाउन करेंगे, ठीक है। ठीक है मैम, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि कल भी इसको डिस्कस किए थे हम लोग कि न्यू चीफ इकोनॉमिस्ट और सीनियर वाइस प्रेसिडेंट फॉर डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स एट वर्ल्ड बैंक कौन बन गए हैं, तो ये है इंदरमित गिल। कल पढ़े थे, अगर कोई होंगे कल के क्लास में तो उनको याद होगा। नेक्स्ट है कि LICHFL बोर्ड के एडिशनल डायरेक्टर कौन बने, दिस इज नॉट सो इम्पोर्टेंट, तो ये रवीश किशन ठक्कर बने हैं, ठीक। फिशरी डे कब मनाया जाता है? क्या आपको याद है कि नेशनल फिश फार्मर्स डे कब मनाया जाता है? वो फार्मर जो कि मत्स्य पालन करते हैं, तो वो मनाया जाता है आपका 10 जुलाई को। वर्ल्ड पॉपुलेशन डे 11 जुलाई को मनाया जाता है, तो अगर आपसे पूछा जाएगा वर्ल्ड पॉपुलेशन डे तो आप फटाक से बोल दीजिएगा कि ये तो 11 जुलाई को मनाया जाता है। देखो इतने सारे शिफ्ट्स में जिसका एग्जाम होता है ना, एक से अधिक शिफ्ट 2 से 3 दिन में, वहाँ पे कोई भी क्वेश्चन आ जाता है, इसीलिए रोज रोज तुम ये नहीं कह रहे कि याद करो, हम कह रहे कि सुनो, बस सुनो क्या पता कहीं पे भी ऑप्शन में तुमको चमक जाए कि मैम जुलाई के महीने में बोली थी और बाकी ऑप्शन में जुलाई का महीना बस एक ही है। इस तरह से भी चीजें कभी कभी ध्यान आ जाती हैं, ठीक है। तो डिप्टी इलेक्शन कमिश्नर कौन बन गए हैं? आरके गुप्ता बन गए हैं। ओके, वर्ल्ड पीस फोरम 2022 कौन सा कंट्री पीस फोरम ऑर्गेनाइज कर रहा है? आप समझ गए होंगे मेरे कटाक्ष से। तो ये कंट्री आपका चाइना। ओके, नेशनल कॉन्क्लेव एक सुपर फ्रूट पे हो रहा है कि ये फल बहुत अच्छा है, कमालम है। क्या आप बता सकते हैं कि नेशनल कॉन्क्लेव जो है वो कौन से फ्रूट पे है? ये है आपका ड्रैगन फ्रूट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 36वां नेशनल गेम्स इसको ऑर्गेनाइज किया जाएगा। 36वां नेशनल गेम 36 नेशनल गेम किस स्टेट में ऑर्गेनाइज किया जाएगा? तो इसको ऑर्गेनाइज किया जाएगा गुजरात में 36 नेशनल गेम ऑर्गेनाइज किया जाएगा, ठीक है। मुराली अय्यर ये बन गए हैं सीईओ, लेकिन ये एक फर्नीचर कंपनी है आइकिया, इसके बन गए। आप क्या बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में कि परमेश्वर अय्यर जो है वो कहाँ के सीईओ बने हैं? परमेश्वर अय्यर ये कहाँ के सीईओ बने हैं? बहुत बढ़िया, हम देख रहे हैं कि आप लोग को, मैक्सिमम लोगों को सारे पुराने करंट अफेयर्स याद है और बहुत अच्छा लग रहा है ये देख के कि यू रिमेंबर एवरीथिंग। बिल्कुल सही, नीति आयोग के सीईओ बन गए हैं परमेश्वर अय्यर जी, ठीक है। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री मोदी जी ने अभी अभी अटेंड किया है पहला अरुण जेटली मेमोरियल लेक्चर। तो ये मोदी जी ने इनॉग्रेट किया था। कहाँ पे इनॉग्रेट किया था? तो ये आप जानते हैं कि ये इनॉग्रेट किया गया था दिल्ली में। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट, नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा, नमामि, इग्नाइटिंग यूथ माइंड, रिजुविनेटिंग रिवर्स। तो पानी जो है उसको साफ करने के लिए हम लोग कोशिश कर रहे हैं और यूथ को इस बार इंस्पायर कर रहे हैं। इस बार का थीम क्या है इस वेबिनार का थीम है एफॉरेस्टेशन। देखिए, सैटरडे को हम लोग कुछ पढ़ते नहीं है, बेसिकली ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें जो हैं वो रिवाइज करने की कोशिश करते हैं। तो अगर आप लोगों को समझ में आ रहा है तो अच्छी बात है। अल्वारो लाडियो ये बन गए IFAD के, इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट में काम कर रहे हैं। तो अगर ये पूछा जाए क्यों ये इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि UN का टोटल 17 स्पेशलाइज्ड एजेंसी है, जिसमें से ये एजेंसी जो एग्रीकल्चर डेवलपमेंट पे काम करता है वो भी एक इम्पॉर्टेंट एजेंसी है और यहाँ पे ये है अल्वारो लाडियो, ठीक है। नेक्स्ट टी हब 2.0। तो टी से ये बता सकते हो कि स्टार्टअप को और बढ़ावा देने के लिए टी से तेलंगाना ने इसको शुरू किया है। तेलंगाना ने, तमिलनाडु ने नहीं, तेलंगाना ने, ठीक है। नेक्स्ट, DB पाटिल इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ है? कैंपेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट बेंगलुरु में है, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट न्यू दिल्ली में है ना, जयप्रकाश नारायण इंटरनेशनल एयरपोर्ट तो नहीं है लेकिन लिखा जाता है, पटना में है, ठीक है। तो DB पाटिल इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ है? तो ये महाराष्ट्र में है, फाइन। नेक्स्ट, टाटा मोटर ने जापान के चिप मेकर जिसका नाम है रिनेसांस, ठीक है। देखिए, क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन से भी आ सकता है। इलेक्ट्रॉनिक कॉप के साथ फॉर्म किया एक स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप ताकि ये डिजाइन कर सके, डेवलप कर सके और मैन्युफैक्चर कर सके सेमीकंडक्टर सॉल्यूशंस को, ताकि वो डोमेस्टिक और ग्लोबल मार्केट में काम करें। तो ये आपसे पूछा जा रहा है कि जापान के चिप मेकर कंपनी ने इसको किया है। तो ये बड़ा आराम से बता सकते हैं फर्स्ट लाइन पढ़ते ही। कभी कभी इस तरह से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। जो लोग इसको स्किप कर रहे, बेटा यहाँ पे लिखा हुआ है कि जापानीज चिप मेकर कंपनी, और हम पूछ भी यही रहे हैं। तुम समझे हम क्या किए? अभी हम तुम्हारे साइकोलॉजी के साथ खेले। हम जानबूझ के इतना लंबा चौड़ा क्वेश्चन क्यों दिए, कभी नहीं आएगा, लेकिन हम ये देख रहे हैं कि अगर सामने भी लिखा है तो क्या क्वेश्चन को देखते ही आप बहुत सारे गलती दे रहे हैं आंसर। क्वेश्चन हम बस इतना लंबा इसलिए करें कि क्वेश्चन को देखते ही तुम लोग के अंदर ना एक साइकोलॉजिक फियर आ जाता है कि हमको तो नहीं आता, हम नहीं दे पाएंगे। तो ये टाइप के क्वेश्चंस को आप देखो। जो क्वेश्चंस जितना बड़ा है ना उसको उतना ही अस्थिर से बैठ के पढ़ोगे तो उसी क्वेश्चन में तुमको आंसर मिलेगा। कभी कभी इसको भी देख लिया करो, ध्यान दिया करो। और ये जो छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं तुमको लगता है पटापट दे देंगे, वही गलत होता है। संदीप कुमार गुप्ता गेल, पता है तो पता है, नहीं पता है तो खत्म। के वेणुगोपाल जो हैं वो आर्टिकल नंबर 76 के तहत भारत के सबसे बड़े लॉ ऑफिसर बन गए हैं। जो भी स्टूडेंट मेरा पूरा पॉलिटी का सेशन देखा होगा वो इतने ही में बता देगा, है ना, ठीक है। तो ये जो हैं ये बन गए हैं आपके अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया आर्टिकल नंबर 76। ये सरकार के बेसिकली लॉयर होते हैं, सरकार के लॉयर होते हैं, सरकारी लॉयर नहीं होते, और ये सरकार के खिलाफ हर एक केस को टैकल करते हैं। नेक्स्ट, कौन से स्टेट गवर्नमेंट ने अभी अभी बैग द फर्स्ट प्राइज इन नेशनल MSME अवॉर्ड। तो पहली बार हम लोगों ने एक MSME अवॉर्ड दिया है। MSME का मतलब होता है जो छोटे उद्योगपति होते हैं, जो छोटे दुकानदार होंगे, छोटे बिजनेसमैन होंगे, तो माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज MSME। तो ये कौन सा स्टेट है? ओडिशा स्टेट है जिसको MSME अवॉर्ड मिला है। अच्छा प्रदर्शन किया है इसने MSME में, ठीक है। नेक्स्ट है कि इंडिया ने अभी अभी सक्सेसफुली टेस्ट फायर किया है हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट एंड इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज ITR। ये चांदीपुर में इसको टेस्ट फायर किया गया है। क्या आप बता सकते हैं कि चांदीपुर में जो हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट और इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज को चेक किया गया है, इसका नाम क्या है? उसका नाम है आपका अभ्यास। ओके, अभ्यास AAST 9th आर्मी टू आर्मी स्टाफ टॉक हो रहा है। तो बेसिकली यहाँ के स्टाफ टॉक कर रहे हैं, ऑस्ट्रेलियन आर्मी और इंडियन आर्मी दोनों मिलकर स्टाफ टॉक कर रहे हैं। क्या आप बता सकते हैं कि किस कंट्री में कंडक्ट हो रहा है? ये कंडक्ट हो रहा है आपका देहरादून में, भूम लिखा है देहरादून में, ठीक है। नेक्स्ट है सिनर्जी कॉन्फ्रेंस। ये इंडियन आर्मी और डिफेंस अकाउंट डिपार्टमेंट कर रहे हैं, और ये सिनर्जी जो है वो आपका टोटल 4th सिनर्जी है, ठीक है। इसरो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने अभी अभी सक्सेसफुली अपना लॉन्च किया है। टोटल यहाँ पे सिंगापुर के सैटेलाइट्स को लॉन्च किया गया है फ्रॉम 2nd लॉन्च पैड एट श्री सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा में। तो सवाल ये है कि सिंगापुर से कितने सैटेलाइट को लॉन्च किया गया है? तो ये टोटल 3 सैटेलाइट है सिंगापुर के जिनको अभी अभी इसरो ने लॉन्च किया है, ठीक है। मोदी जी ने इनॉग्रेट किया है डिजिटल इंडिया वीक 2022। ये महात्मा मंदिर गांधीनगर गुजरात में किया गया है। डिजिटल इंडिया 2022 का जो थीम है, इस वीक का थीम, वो थीम क्या रहा ये पूछा जा रहा है आपसे। तो थोड़ा सा सोचो फिर समझो, नहीं पता है तो क्वेश्चन का आंसर देखो, और फिर जब हम आंसर दें तो उसको फिर से कमेंट सेक्शन में लिख दो। और कभी कभी थोड़ा फास्ट कीजिए क्योंकि सच बता रहे हैं मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, आपको ही फायदा देगा 1 घंटे में इतने सारे क्वेश्चंस का। कैटलाइजिंग न्यू इंडिया टेकेड, कैटलाइजिंग न्यू इंडिया टेकेड। और हाँ, एक बार सेशन को आप लाइक कर सकते हैं अगर पसंद आ रहा है इस तरह से तो। और बाकी समझने बुझने के लिए तो मंडे से फ्राइडे है, आराम आराम से पढ़ते हैं, समझते हैं, बुझते हैं। लेकिन सैटरडे को हम लोग थोड़ा फास्ट काम करने का कोशिश करते हैं। विवेक एक्सप्रेस शुरू हो चुका है, ठीक है। विवेक एक्सप्रेस भारत का सबसे लंबा एक्सप्रेस रहेगा, तो इसको ध्यान रखिएगा। ये लॉन्गेस्ट भारत का सबसे लंबा ट्रेन रहेगा, असम से लेकर कन्याकुमारी तक चलेगा। कन्याकुमारी तमिलनाडु में। क्या आप ये बता सकते हैं कि जब ये असम से लेकर कन्याकुमारी तक चलेगा तो ये कितने स्टेट से पास करेगा? कितने स्टेट से पास करेगा? ये 8, 9, 10, 11, 12 आ सकता है, टोटल 9 स्टेट गिनिएगा। असम के बाद ये किधर आएगा? वेस्ट बंगाल में। वेस्ट बंगाल से होते हुए ये पूरा क्रॉस करते हुए ये तमिलनाडु जाएगा। टोटल 9 स्टेट से क्रॉस करेगा, ठीक है। नेक्स्ट, प्राइवेटाइजेशन ऑफ नीलाचल इस्पात लिमिटेड। इस्पात बोले तो स्टील, ठीक है। तो इसको शुरू कर दिया गया है और इसको प्राइवेटाइज कर दिया गया है, TSLP को दे दिया गया है, नीलाचल इस्पात निगम लिमिटेड को। जनरली ये अच्छी बात नहीं है कि हम लोग अपने PSU को बेच रहे हैं, प्राइवेटाइज कर रहे हैं, पर है तो है, क्या ही किया जाए, ठीक है। ग्रेनको, देखो यही क्वेश्चन हम उल्टा भी पूछ चुके हैं आप लोग से कि ग्रेनको चाहता है कि जो फर्स्ट डेडिकेटेड स्कूल फॉर सस्टेनेबल साइंस एंड टेक्नोलॉजी, तो एक IIT के साथ इसने कोशिश किया है कि एक ऐसा स्कूल बनाए जो कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी से ज़्यादा रिलेटेड रहे। ये है IIT हैदराबाद। IIT हैदराबाद ये ऐसा स्कूल बनाना चाह रहा है, ठीक है। टाटा पावर हैज साइंड अ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। 3000 करोड़ रुपए खर्चा करेगा। किस चीज़ के लिए? सोलर सेल बनाने के लिए, मैन्युफैक्चर करने के लिए, सेटअप करने के लिए। और ये टाटा पावर जो है इतना बड़ा सोलर पावर प्रोजेक्ट बना रहा है, ये तमिलनाडु में बना रहा है, ठीक है। उसके लिए काफ़ी अच्छा खर्चा भी कर दिया है, बढ़िया। नेक्स्ट है मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग विथ IGSS वेंचर। तो सेमीकंडक्टर पार्क बन रहा है। सेमीकंडक्टर बोले तो आपके मोबाइल में जितना भी इलेक्ट्रॉनिक्स का चीज है ना, वो सब किस चीज का बना हुआ है, वो आर्सेनिक का बना हुआ है या फिर सिलिकॉन का बना हुआ है, जिसको आप क्या कहते हैं, सेमीकंडक्टर। एंटीमनी सेमीकंडक्टर, उसमें डोपिंग किया जाता है। तो थोड़ा सा जनरल नॉलेज का बात है। देखिए क्या होता है कि सेमीकंडक्टर, ये तो आप समझ ही गए कि सेमीकंडक्टर्स को यूज करते हैं। अब जैसे सिलिकॉन है, एटॉमिक नंबर क्या है इसका, 14 है, तो 2, 8, 4 इसके आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन रहेगा, ठीक है। तो जब ये 4 इलेक्ट्रॉन रहेगा तो ये बाकी सिलिकॉन के साथ क्या करेगा, कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा। ओके, कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा, लेकिन जब हम लोग इसके बीच में सिलिकॉन की जगह कोई दूसरा एलिमेंट डाल देते हैं, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए हम फॉस्फोरस डाल दिए, और फॉस्फोरस का एटॉमिक नंबर होता है 15, यानी कि 2, 8, 5। तो फॉस्फोरस एक तो बॉन्ड इसके साथ बनाया, एक बगल वाले सिलिकॉन के साथ, एक और बगल वाले सिलिकॉन के साथ, एक और बॉन्ड बना लिया बगल वाले सिलिकॉन के साथ, लेकिन एक इसका इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है, क्योंकि इसके पास टोटल कितने थे लास्ट में, 5 थे। आपको उसके लिए पता होना चाहिए कि फॉस्फोरस का एटॉमिक नंबर 15 होता है ना, बेसिक। तो ये अब क्या बन जाएगा, ये एन टाइप सेमीकंडक्टर है, क्योंकि इसमें एक नेगेटिव एक इलेक्ट्रॉन है। अब इसी में मान लीजिए कि फॉस्फोरस को हटा दीजिए, फॉस्फोरस की जगह हम क्या रख देंगे, यहाँ पे हम एल्यूमिनियम रख देंगे, ठीक है। एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है, 13 होता है, तो 2, 8, 3, तो 1, 2, 3 के साथ तो ये बॉन्ड बना लिया, लेकिन इसके पास एक है ही नहीं बॉन्ड बनाने के लिए। तो यहाँ पे क्या क्रिएट हो गया, एक होल क्रिएट हो गया है, और होल जो है पॉजिटिव हुआ, तो ये हो गया पी टाइप सेमीकंडक्टर। तो इसी तरह से पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर होता है। अगर आप पेंटावेलेंट जैसे कि फॉस्फोरस के साथ सिलिकॉन का डोपिंग करते हैं, है ना, तो हम लोग क्या बोलते हैं इसको बोलते हैं हम लोग एन टाइप। और जब फॉस्फोरस पी टाइप हो गया, ठीक है, एन टाइप हो गया। और जब हम लोग ट्राईवेलेंट के साथ जैसे कि एल्यूमिनियम के साथ करते हैं तो ये हो गया आपका पी टाइप, जिसमें होल होता है। तो कभी कभी टीचर जो है वो करंट अफेयर्स के साथ साथ फिजिक्स, केमिस्ट्री सब पढ़ा देती है, ठीक है। ओके, तो बेसिक चीज पता होना चाहिए यार, कम से कम। देखो तुम साइंस के स्टूडेंट हो या नहीं हो, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, ठीक है। उसके बाद हो गया तुम्हारा सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, और फिर सल्फर। सल्फर के बाद 16, 17 हो गया क्लोरीन, 18 हो गया आर्गन, उसके बाद पोटेशियम और कैल्शियम। 20 तक तुमको पता होना चाहिए। अब इसी में तुमसे पूछ लेगा कि लाइटेस्ट मेटल कौन सा है, लाइटेस्ट नॉन मेटल कौन सा है, गैस सबसे पहले कौन सा आता है, नोबल गैस कौन कौन सा है। इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है, बढ़िया। नेक्स्ट, तो अब ये जो है साइन किया गया है सिलिकॉन, सिलिकॉन तो अब याद ही रहेगा, तमिलनाडु का बात है। नेक्स्ट है कि अवनीश फाइनेंशियल सर्विस, ये ट्रैवल इंश्योरेंस दे रहा है इंडियन स्टूडेंट को जो कि बाहर जाएंगे पढ़ने के लिए। तो आप बताइए कि किस कंपनी के साथ मिलकर ये बाहर जाने वाले बच्चों को ट्रैवल इंश्योरेंस दे रहा है, ट्रैवल इंश्योरेंस दे रहा है। हाँ, क्या क्या बात करो तुम लोग। अच्छा हाँ, मेरे को पता है कि मैं र को ड बोलती हूँ, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक है, बोलती हूँ तो बोलती हूँ, पर नॉलेज है मेरे पास और आई कैन कन्वे। तुम लोग में भी कोई प्रॉब्लम होगा, अगर कभी कोई स्टैमर करता होगा, कोई हकलाता होगा, किसी को इंग्लिश बोलने में दिक्कत होगा, एक्सेप्टेड, फाइन, इट्स ओके, इसमें कोई टेंशन की बात नहीं है, ठीक है, चलें, बढ़िया। तो ये हो गया आपका एल्डेल विस जनरल इंश्योरेंस। नेक्स्ट, फेमिना मिस इंडिया वर्ल्ड 2022, ये आप बता सकते हैं कि कौन बनी है। फेमिना मिस इंडिया 2022 कौन बनी है, ये आप बता दे फटाक से। तो ये सिनी शेट्टी बनी है, सिनी शेट्टी, फाइन। आपके देश में सबसे सुंदर अभी यही है, जल्दी से जॉब ले लो, क्या पता फिर तुम लोग भी मिलो इनसे। नेक्स्ट, फिर पूछा जा रहा है विच ऑर्गेनाइजेशन रिसेंटली द मेडन फ्लाइट ऑफ ऑटोनॉमस फ्लाइंग विंग टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर फॉर चित्रदुर्गा कर्नाटका। अब ये क्या बात हो गया, पूछा जा रहा है कौन सा ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जिसने अपना मेडन फ्लाइट, यानी कि मेडन ओवर जानते ही हो, जीरो, तो पहली बार अपना फ्लाइट लॉन्च किया है ऑटोनॉमस फ्लाइंग विंग टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर, और ये इसका नाम है AFWTD, ठीक है। तो अब ये चित्रदुर्गा कर्नाटका से बेसिकली DRDO है, DRDO ने अपना ऑटोनॉमस फ्लाइंग विंग टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर को अभी अभी यहाँ पे किया गया है, ठीक, बढ़िया। नेक्स्ट, अरे हाँ शिवाली टेंशन मत लो, ये लोग ज्यादा भावुक हो जाते हैं, कोई बात नहीं ठीक है। अरे तुम लोग आपस में बात मत करो यार बालक, क्यों वाई, रिलैक्स गाइज। देखें हु अमंग द फॉलोइंग हैज वन मेडन फॉर्मूला वन ब्रिटिश, पहली बार ये बालक जो है सिल्वर स्टोन में अपना पहला ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स 2022 इसको जीता है ठीक है। तो ये कौन है, कार्लोस स्नेइज है, कार्लोस स्नेइज है, जल्दी चले गए ठीक है ठीक है ओके। नेक्स्ट डिटेक्ट टेक्नोलॉजी एट IIT मद्रास इनक्यूबेटेड स्टार्टअप। हाँ तो बताइए विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज पार्टनर्ड विथ डिटेक्ट टेक्नोलॉजी। डिटेक्ट टेक्नोलॉजी कंपनी है, ये क्या कंपनी है, ये IIT मद्रास का इनक्यूबेटेड स्टार्टअप है। इनक्यूबेटेड स्टार्टअप का मतलब क्या है कि स्टार्टअप तो है लेकिन अगर इसमें कोई दिक्कत होगा तो IIT मद्रास वाले जो हैं वो इसको बचा लेंगे, इनक्यूबेशन है उसका। तो ये इसने पार्टनरशिप किया है वेदांता के साथ ठीक है। नेक्स्ट एथलीट फेडरेशन ऑफ इंडिया टू इनेबल द होलिस्टिक ग्रोथ ऑफ एथलीट इन इंडिया, कौन से कंपनी ने पार्टनरशिप किया है एथलीट फेडरेशन ऑफ इंडिया के साथ, तो ये कंपनी पार्टनरशिप करने वाला है रिलायंस इंडस्ट्री, रिलायंस इंडस्ट्री ने पार्टनरशिप किया है ओके। नेक्स्ट टेलीकॉम ऑपरेटर भारती एयरटेल ने अभी अभी अलॉट किया है 7.1 करोड़ इक्विटी शेयर, किस कंपनी को अलॉट किया गया है, ₹734 अ पीस, एक पीस का शेयर जो है ₹734 है, बिल्कुल सही है गूगल है। गूगल ने अभी अभी भारती एयरटेल का 7.1 करोड़ का इक्विटी खरीद लिया है ओके। कौन सा ऐसा स्टेट है जिसमें भारत में सबसे पहले मंकी पॉक्स आया है, हमको भी आजकल बड़ा डर लग रहा है सब चीज से, तो ये स्टेट कौन सा है, केरला है ओके। नेक्स्ट है ट्रेड डेफिसिट, देखो हम पहले बता चुके हैं कि ट्रेड डेफिसिट का माने होता है कि अगर आप ज़्यादा चीज़ों को इम्पोर्ट कर रहे हैं यानी कि खरीद रहे हैं और कम चीज़ों को एक्सपोर्ट कर रहे हैं यानी कि बेच रहे हैं, तो आप क्या कर रहे हैं, बेच रहे हैं कम चीज़ों को, तो आपको पैसा बार बार खरीदने के लिए देना पड़ेगा, तो पैसा तो तुम्हारा गया, तो जो पैसा गया उसको डेफिसिट कहते हैं। और $2 $26.1 बिलियन का डेफिसिट होता है यहाँ पे ठीक है। नेक्स्ट ब्रिटिश पार्लियामेंट फेलिसिटेट करेगा इंडियन कैप्टन को, तो एक क्रिकेटर है हमारे, इंडियन कैप्टन है ये, और ये कह रहा है कि ब्रिटिश पार्लियामेंट कह रहा है कि हम इनको थोड़ा सा अवार्ड वगैरह से सम्मानित करना चाहते हैं, ये सौरव गांगुली हैं जिनको ब्रिटिश पार्लियामेंट सम्मानित करना चाहता है ठीक है। कौन से डेट को आप यूथ वर्ल्ड यूथ स्किल डे मनाते हैं, किस दिवस को आप वर्ल्ड यूथ स्किल दिवस मनाते हैं, तो ये दिवस है आपका 15 जुलाई ठीक है। हमारे यहाँ कब मनाया जाता है, विवेकानंद जी के बर्थ एनिवर्सरी पे जो कि होता है 12 जनवरी को ठीक है। भगत सिंह कोश्यारी महाराष्ट्र के गवर्नर हैं ये, इन्होंने मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड 2021 से सम्मानित किया है दिया मिर्जा को है ना, तो दिया मिर्जा को सम्मानित किया गया है ओके। नेक्स्ट आपसे पूछा जा रहा है कि यूनियन एग्रीकल्चर मिनिस्टर जिनका नाम क्या है, नरेंद्र सिंह तोमर है, इन्होंने लॉन्च किया है द प्लेटफॉर्म ऑफ प्लेटफॉर्म अंडर ई कृषि, ई नाम, ई मार्केट और ई डिजी कृषि, तो ये क्या है, ई नाम है, ई नाम ये क्या है, प्लेटफॉर्म ऑफ प्लेटफॉर्म कि तुम हमको ये पेन जाकर भारत के तमिलनाडु में भी बेचना है तो हम ऑनलाइन ई नाम से अपना मटेरियल बाहर बेच सकते हैं ठीक है। जापान के पहले प्रधानमंत्री, मतलब कि इसके पहले वाले जो प्रधानमंत्री थे फॉर्मर, इनका निधन हो गया है, इनका नाम क्या है जिनको कॉलर ऑफ सुप्रीम ऑर्डर ऑफ क्रिसैंथेनम का अवार्ड मिला है, और ये जापान का सबसे बड़ा अवार्ड है, शिंजो अबे इनका नाम है ठीक है। नैस्कॉम फाउंडेशन ने अभी अभी पार्टनरशिप किया है किस कंपनी के साथ, डीजी वानी कॉल सेंटर, ताकि विमेन फार्मर को स्केल अप देयर बिजनेस, अगर मान लीजिए कोई किसान है और वो विमेन है तो वो अपना बिजनेस और आगे बढ़ा सके, इसके लिए नैस्कॉम फाउंडेशन ने अभी अभी पार्टनरशिप किया है किसके साथ, तो नैस्कॉम ने पार्टनरशिप किया है मेटा के साथ, बिल्कुल सही बात है, फेसबुक का पेरेंट कंपनी है। राइट टू रिपेयर, देखिए आपका बहुत महंगा भी इलेक्ट्रॉनिक्स खरीदेंगे ना और आपका किस्मत खराब है कि वो तुरंत ही खराब हो गया, जैसे मेरे साथ ऐसा हो चुका है लैपटॉप, तो उसके बाद कंपनी कोई गारंटी वारंटी नहीं देती, राइट टू रिपेयर नहीं देती आपको, तो राइट टू रिपेयर शुरू हो चुका है, अब ये जो है ये रूल शुरू हो चुका है, और इसको किसने अब इनॉग्रेट किया है, बिल्कुल 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 नहीं, आप लोग गलत आंसर दे रहे हैं, इसको इनॉग्रेट किसने किया है, हाँ, नितिन खत्री जी ने इसको इनॉग्रेट किया है। ठीक है, नेक्स्ट पूछा जा रहा है आपसे कि एपेक्स कमेटी ऑफ डिफेंस सेक्रेटरी एज चेयरमैन टू कंडक्ट परफॉर्मेंस एंड इफिशियंसी ऑडिट। तो इफिशियंसी ऑडिट के चेयरमैन कौन है? अभी अभी इनको डाला गया है। ये कौन से मिनिस्ट्री के अंदर आ जाएगा? हाँ, डिफेंस सेक्रेटरी हैं तो ऑब्वियसली मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर ही आएगा। ठीक है, रुकिए, ये क्वेश्चंस को लास्ट में करने के लिए डाला गया था मैंने। ठीक है, नेक्स्ट। तो फिर है शंघाई कॉरपोरेशन ने अभी अभी एक शहर को अनाउंस किया है कि ये फर्स्ट कल्चरल एंड टूरिज्म शहर बनेगा। ये शहर कौन सा है? बनारस का शहर है। ठीक है, नॉलेज पोर्टल फॉर खादी टू प्रोवाइड डिजाइन डायरेक्शन ऑफ खादी टू द खादी इंस्टीट्यूशंस। तो ये जो नॉलेज पोर्टल है खादी का, ये किस मंत्रालय के अंदर आता है? तो ये बेसिकली बोर्ड आता है किसके अंदर? खादी एंड विलेज इंडस्ट्री बोर्ड, KVIC, इसको याद रखेंगे। ओके, उत्तराखंड के CM है पुष्कर सिंह धमी जी। इन्होंने लॉन्च किया उत्तराखंड का एक मोबाइल ऐप, जिसके अंदर अगर आपको EFIR करना है तो आप वहाँ पे EFIR कर सकते हैं। उत्तराखंड के गवर्नर कौन है? उत्तराखंड के गवर्नर का नाम क्या है? गुरमीत सिंह जी। ठीक है, गुरमीत सिंह। ये क्या हुआ? हाँ, नेक्स्ट है NHPC लिमिटेड हैज साइंड मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग ताकि ये 2 डिस्ट्रिक्ट को डेवलप कर सके पायलट ग्रीन हाइड्रोजन टेक्नोलॉजी। ठीक है, तो ये जो है मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग कारगिल और लेह को अभी अभी इन्होंने अनाउंस किया है। नेक्स्ट, RBI और किस बैंक ने मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है ताकि दोनों में कोऑपरेशन बढ़ सके। तो ये दूसरे देश का बैंक है, ये बैंक है इंडोनेशिया का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन से बैंक ने अभी अभी कंप्लीटेड टेक्निकल इंटीग्रेशन विथ न्यू e-फाइलिंग पोर्टल ऑफ इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। तो ये सब उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। तो ये बैंक है आपका कोटक महिंद्रा बैंक। फाइन, नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्न विथ लर्न। अगर तुमको लगता है कि तुमको कमाना जरूरी है पढ़ने के लिए, तो तुम अर्न भी करो और लर्न भी करो। तो विद्यालय चले अभियान, चलो अभियान, यहाँ पे स्कूल ड्रॉप आउट्स बच्चों के लिए है। ये है आपका त्रिपुरा का। ठीक है, नेक्स्ट, फर्स्ट इंडियन एलिवेटेड अर्बन एक्सप्रेसवे। फर्स्ट इंडियन एलिवेटेड अर्बन एक्सप्रेसवे, ये कहाँ का एक्सप्रेसवे है? पूर्वांचल का है। एलिवेटेड बोले तो उठा हुआ, तो बेसिकली ये यहीं लग रहा है द्वारका में। तो ये द्वारका एक्सप्रेसवे है। ओके, नेक्स्ट, कौन सा ऐसा स्टेट है जो कि बन गया है भारत का पहला ऐसा स्टेट पूरे देश में जिसने न्यू एजुकेशन पॉलिसी को आगे, मतलब ये आप शुरू कर रहे हैं न्यू एजुकेशन पॉलिसी। तो ये स्टेट कौन सा हो गया आपका? यह है उत्तराखंड। उत्तराखंड शुरू कर रहा है। क्या आप बता सकते हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड आर्टिकल नंबर 44, जो भी हमसे पॉलिटी पढ़े हैं, सारे बच्चों को हम पढ़ा चुके हैं। ठीक है, तो वो कौन से स्टेट ने शुरू किया है? उत्तराखंड सेकंड स्टेट है। शुरू करने वाला कौन सा स्टेट है? फर्स्ट गोवा, वेरी गुड। नेक्स्ट, फिर ड्रग्स कंट्रोल जनरल ऑफ इंडिया ने अप्रूव किया है भारत का पहला इंडिजीनियसली डेवलप्ड ह्यूमन पैपिलोमा वायरस। ठीक है, ये सर्वाइकल कैंसर के लिए है। और ये वैक्सीन को कहाँ, किसने डेवलप किया है? तो बेसिकली ये एक वैक्सीन है HPV, जिसका नाम है ह्यूमन पापिलोमा वायरस, और इसको हम लोगों ने अप्रूव कर दिया है सर्वाइकल कैंसर के लिए। इसको लॉन्च किया गया है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को किस स्टेट ने अभी अभी डिसाइड किया है कि ये फिर से रिज्वाइन करेंगे? छोड़ दिए थे। ये स्टेट है आंध्र प्रदेश, ये इसको रिज्वाइन करेंगे। ठीक है, आप जानते हैं कि जो खरीफ क्रॉप होते हैं और राबी क्रॉप होते हैं, उनको 2% और 5% पे हम लोग यहाँ पे इंश्योरेंस देते हैं, बीमा देते हैं। ठीक है, दिल्ली गवर्नमेंट ने अभी हैंड ज्वाइन किया है किस ऑर्गेनाइजेशन के साथ, ताकि ये एम्प्लॉयमेंट क्रिएट कर सके स्टूडेंट्स के लिए ऑफ दिल्ली स्कूल एंड एंटरप्रेन्योर यूनिवर्सिटी। तो अब एक यूनिवर्सिटी आ गया है DCEU, दिल्ली स्किल एंड एंटरप्रेन्योर यूनिवर्सिटी। और दिल्ली सरकार ने कहा है कि हमने यूनिसेफ के साथ हैंड ज्वाइन कर लिया है ताकि यहाँ के बच्चे को वहाँ पे रोजगार मिल सके। ठीक है, हाँ ठीक है, हर्ष कुमार रावत, हम देख लिए, कोई फायदा नहीं सब बोल के, अपना पढ़ाई करो। फिर विच कंट्री हैज प्लान्ड टू लॉन्च अ न्यू स्पेस बेस्ड सोलर ऑब्जर्वेटरी टू स्टडी द रिलेशनशिप बिटवीन सोलर मैग्नेटिक फील्ड, सोलर फ्लेयर एंड कोरोनल मास इजेक्शंस। यानी कि सन से जितने भी मैग्नेटिक फील्ड आ रहे हैं, जितने भी फ्लेयर आ रहे हैं, उसको पढ़ने के लिए इस कंट्री ने अपना एक नया स्पेस बेस्ड सोलर ऑब्जर्वेटरी शुरू किया है। सिर्फ सोलर को पढ़ने के लिए इसको किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग म्यूचुअल फंड कंपनी ने अभी अभी लॉन्च किया है एक न्यू फंडड फॉर्ड एडेल्विस फोकस्ड इक्विटी फंड. तो ये तो बेसिकली है यही इक्विटी, ठीक है, इसको दैट इज नॉट सो इम्पोर्टेंट. गोवा शिपयार्ड लिमिटेड ने वैसे अभी अभी 15 अगस्त को विक्रांत भी आने वाला है, आपको पता है ना, विक्रांत, आईएनएस विक्रांत. तो गोवा शिपयार्ड लिमिटेड ने अपना न्यू चीफ बनाया है. क्या आप बता सकते हैं कि किसको अपना न्यू चीफ बनाया है? ये बनाया गया है ब्रजेश कुमार उपाध्याय को. गोवा शिपयार्ड लिमिटेड ने अपना न्यू चीफ इनको बनाया है, ठीक है. मीना हेमचंद्र जी ये पार्ट टाइम चेयरमैन बनी है, ये पार्ट टाइम चेयरमैन करूर वैश्य बैंक की बनी है. जो नहीं इंपॉर्टेंट उसको हम जल्दी कर रहे हैं, तो आप लोग उतना वो मत लीजिएगा. कोऑपरेटिव दिवस, ठीक है, कोऑपरेटिव दिवस जो है ये मनाया जा रहा है. क्या आप बता सकते हैं कि कोऑपरेटिव दिवस जो है वो किस दिन मनाया जाता है? ये मनाया जाता है आपका 2 जुलाई को. कोऑपरेटिव बिल्ड अ बेटर वर्ल्ड. नेक्स्ट, प्लास्टिक बैग फ्री शुरू हो चुका है 1 जुलाई से, आप जानते हैं, आप प्लास्टिक बैग यूज मत कीजिएगा. 3 जुलाई को ये दिवस मनाया जाता है. थीम है ग्लोबल इनिशिएटिव दैट एम्स टू एलिमिनेट द यूज ऑफ सिंगल यूज प्लास्टिक. सिंगल यूज प्लास्टिक बोले तो, सिंगल यूज प्लास्टिक बोले तो एक ऐसा प्लास्टिक जो आप यूज करते ही फेंक देते हैं, जैसे कोक का बोतल हो गया, ये सब जो चीज हो गए, लेकिन जो बार बार यूज करते हैं उससे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक. QS बेस्ट स्टूडेंट सिटीज रैंकिंग 2023, कौन सा सिटी टॉप पे है, कौन सा सिटी टॉप पे है? अगर आप स्टूडेंट हैं तो आप इस शहर में जाकर पढ़ाई लिखाई कर सकते हैं. ये है भारत में मुंबई और दुनिया में लंदन, ठीक है, तो लंदन का टिकट मेरा भी कटा देना साथ में. नेक्स्ट, CII क्वालिटी रत्न अवार्ड. तो ये जितने भी हमारे इंडस्ट्रीज वगैरह हैं वो यहाँ पे CII क्वालिटी रत्न अवार्ड कर रहे हैं. क्या आप बता सकते हैं कौन है ये? तो यहाँ पे अशोक सूता है, ये इसके फाउंडेशन और एग्जीक्यूटिव चेयरमैन है. नेक्स्ट, कौन सा स्पोर्ट्स कंपनी है जो कि ऑफिशियल पार्टनर है इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन का? तो कौन सा स्पोर्ट्स कंपनी इसका ऑफिशियल पार्टनर है? ये है अडानी स्पोर्ट्स लाइन, ठीक. नेक्स्ट, बिजनेस फोरम बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान में कौन सा स्टेट टॉप कर रहा है अगर आप ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का बात कर रहे हैं? यहाँ पे बिजनेस स्टैब्लिश करना ईजी है, तो ये है आपका कौन सा स्टेट ने टॉप किया. आंध्र प्रदेश में बिजनेस स्टैब्लिश करना इजी है, ओके. न्यू प्रेसिडेंट फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के, तो G7 की जो कंट्रीज हैं वो उन्होंने बनाया एक फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स. तो बेसिकली इसमें क्या होता है कि अगर आप कोई ऐसे देश से हैं जैसे कि पाकिस्तान, तो वहाँ का पैसा गलत चीज़ों में जा रहा है, मनी लॉन्ड्रिंग हो रहा है, तो वो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के ग्रे लिस्ट में और ब्लैक लिस्ट में उसको डाल दिया जाएगा. उससे क्या फ़ायदा होगा? उससे ये फ़ायदा होगा कि कोई भी आपके देश में पैसा नहीं डालेगा, ठीक है. तो ये खुश मत हो जाना, टी राजा कुमार हैं, लेकिन ये सिंगापुर के, अपने देश के नहीं है. फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स में ये बन गए हैं प्रेसिडेंट, बहुत बढ़िया. स्पार्क्स एनएसटी ये एक न्यू स्मार्ट कैंपस है. किस कंपनी का है स्पार्क एनएसटी? ये है आपका, देखिए अभी मोदी जी ने बॉश भारत में पहली बार बॉश को स्टैब्लिश किया गया है, ये बेंगलुरु में स्टैब्लिश किया गया है. UN हैबिटेट वर्ल्ड सिटीज रिपोर्ट के अनुसार, वर्ल्ड सिटीज रिपोर्ट के अनुसार इंडियाज अर्बन पॉपुलेशन होने वाला है 675 मिलियन अर्बन पॉपुलेशन. शहर में इतने सारे लोग रहेंगे, और ये किस साल होगा? ये होगा 2050 तक, ठीक है, नहीं 50 तक नहीं, सॉरी 2035 तक, 35 भारत में इतने सारे लोग शहर में रहेंगे. वर्ल्ड बैंक हेल्थ सेक्टर को पैसा दे रहा है. कितना पैसा दे रहा है? ये चाहता है कि भारत में हेल्थ सेक्टर बढ़िया हो जाए, क्योंकि इतने सारे लोग रहेंगे शहर में, तो क्या होगा? क्वेश्चंस कौन इंपॉर्टेंट है कौन सही है वो नहीं पता, लेकिन हाँ करंट अफेयर्स में एक एक क्वेश्चन बताने का जिम्मेदारी मेरा है, सुनने का जिम्मेदारी तुम्हारा है. जो एग्जाम में आएंगे उसको एग्जाम के आसपास हम लोग थोड़ा सा फिल्टर कर देंगे, ठीक है. अभी सारा सुनो, लेकिन $1 बिलियन अगर जितना 100 क्वेश्चन सुनोगे, मान लो कि हम जब तुमको फिल्टर करके बता रहे 40 क्वेश्चन, तो वो 100 क्वेश्चन उस समय सुने, फिर 40 क्वेश्चन जब हम तुमको शॉर्ट रिवीजन करवाएंगे तब सुनोगे, तो दोनों बार सुनोगे तो याद रहेगा, इसलिए अभी फिल्टर मत करो, ठीक. अब है मोदी जी ने अक्षय पात्रा मिड डे मील स्कीम शुरू किया है. ये अक्षय पात्रा जो है वाराणसी में शुरू किया गया है. नेक्स्ट, सिक्किम के गवर्नमेंट ने और किस गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया है कि ये टूरिज्म ट्रैवल को बढ़ावा देंगे? तो ये है वेस्ट बंगाल, ओके. नेक्स्ट, कौन से स्टेट गवर्नमेंट ने अभी अभी कहा है ₹300 करोड़ फॉर एक्सटर्नल एडेड प्रोजेक्ट ताकि ये इन्वेस्टमेंट कर सके अर्ली चाइल्डहुड केयर में, एजुकेशंस में। तो अर्ली चाइल्डहुड ये बेसिकली आपके डीपीएसपी में भी है ना, अर्ली चाइल्डहुड केयर। तो ये मेघालय में अर्ली चाइल्डहुड केयर पे बात की जा रही है। मिनिस्ट्री ऑफ माइंस ने अपना कॉन्क्लेव शुरू किया है। ये दो जो जल्दी कर रहे हैं वो उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है। तो ये 6th एडिशन है। नेक्स्ट है तेरा एक्सप्रेसवे। एक ही स्टेट में है ये। स्टेट कौन सा है? ये सबसे बड़ा पॉपुलेशन वाला स्टेट है, ये है उत्तर प्रदेश। ओके, खर्ची फेस्टिवल, ये इम्पोर्टेंट है। खर्ची फेस्टिवल सेंचुरी ओल्ड 7 डे लॉन्ग, ठीक है। ये खर्ची फेस्टिवल त्रिपुरा का है। नेक्स्ट, प्राइवेट सेक्टर बैंक एक्सिस बैंक ने अभी अभी एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है। तो जितना भी लोन रहेगा ना किसका, इंडियन एयरफोर्स का, वो एक्सिस बैंक में जाएगा। मतलब लोन नहीं बोल रहे, सैलरी जो है वो एक्सिस बैंक में जाएगा, ठीक है। नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने कोलैबोरेट किया है एक इंस्टीट्यूशन के साथ ताकि ये मास्टर्स डिग्री प्रोग्राम को लॉन्च कर सके, डिजिटल पेमेंट टू इट्स एम्प्लॉयमेंट। तो बेसिकली डिजिटल पेमेंट में ये मास्टर डिग्री देना चाह रहे हैं। NPCI जो है नेशनल, जितना भी आपका पेटीएम और ये सब चीज़ें हैं वो NPCI के अंदर आता है। और ये एक मास्टर डिग्री दे रहे हैं किस यूनिवर्सिटी के साथ मिलकर ये मास्टर डिग्री दे रहे हैं। अच्छा, एक बार सेशन को आप लोग लाइक कर सकते हैं। वैसे तो ये यूनिवर्सिटी है जमनालाल बजाज इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज़, ठीक है, मैनेजमेंट स्टडीज़। इसके साथ NPCI मास्टर डिग्री दे रहे हैं डिजिटल पेमेंट में। डिप्टी इलेक्शन कमिश्नर RK गुप्ता, ये आप जानते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड डिफेंस सिंपोजियम, ये एग्जीबिशन हो रहा है, ये हो गया है विज्ञान भवन दिल्ली में, ठीक है। तो ये है राजनाथ सिंह जी ने ये एग्जीबिशन किया है, ठीक है। तो अब देखिए, एक चीज़ हमको बताना था, गाइया हाइपोथेसिस, बेसिकली ये आजकल न्यूज़ में है। ये क्या है कि जेम्स लवलॉक एक साइंटिस्ट है, इन्होंने गाइया हाइपोथेसिस को क्रिएट किया है। ये इकोलॉजी के लिए, और इनका निधन हो गया है। ये क्या कहता है? जस्ट गो थ्रू इट वंस, नो नीड टू गो इनटू डिटेल्स, ये डायरेक्शन बोल रहा है, ठीक है। तो बेसिकली गाइया, ये हम तुमको कह रहे हैं मतलब। तो गाइया हाइपोथेसिस ये बोला जा रहा है कि दैट ऑल ऑर्गेनिजम्स और इनऑर्गेनिक सराउंडिंग्स ऑन द अर्थ आर क्लोजली इंटीग्रेटेड टू फॉर्म अ सिंगल एंड सेल्फ रेगुलेटरी कॉम्प्लेक्स सिस्टम मेंटेनिंग द कंडीशन फॉर प्लांट फॉर लाइफ ऑन द प्लैनेट। तो जैसे हम एक मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म है, और अगर आसपास सनलाइट, सॉइल, ये सब नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म है, तो इन दोनों के बीच का जो रिलेशन है वो गाइया हाइपोथेसिस बताता है, ठीक है। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन का आंसर आप लोग हमको कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। आज का सभा यहीं स्थगित किया जाता है, एडजॉर्नमेंट हो गया। एडजॉर्नमेंट कब तक के लिए? मंडे तक के लिए, ठीक है। अड्डा 24/7 में आना है आपको वेबसाइट पे। आज क्यों आना है? आज आना ज़रूरी है क्योंकि आज आपको डबल वैलिडिटी का ऑफर मिल रहा है, चाहे आप सिविल इंजीनियरिंग कर रहे हो, इलेक्ट्रिकल कर रहे हो या मैकेनिकल कर रहे हो। SSC JEE का एग्जाम आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है आने वाला, MP आपके लिए इंपॉर्टेंट है, उसके बाद आपके लिए RRB इंपॉर्टेंट है, और ये सब एग्जाम का प्रिपरेशन आपको एक जगह करवाया जाएगा। तो अगर आपने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग किया है तो आप यहाँ पे आएंगे महापैक पे, और आपने कोड यूज़ करना है, मैं बता देती हूँ, Y 332, ताकि आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाए। तो जैसे ही आप इसको पे करते हैं, ये 13,999 रुपये का कोर्स आपको 3,299 रुपये में मिल जाएगा। ये है आपका इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का महापैक। महापैक में क्या फ़ायदा है? ये आपको टेस्ट सीरीज मिलेगा, यहाँ पे आपको e-बुक्स मिलेंगे, आपको लाइव क्लासेस मिलेंगे, आपको रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेंगे। तो इलेक्ट्रिकल हो, मैकेनिकल हो या सिविल हो, आज तो हम बोलेंगे कि महापैक ले लो। डबल वैलिडिटी का ऑफर का क्या मतलब होता है कि जैसे ये आपको आज 2 साल के लिए मिलेगा, ये जो चीज़ है ना, ये आज आपको 2 साल के लिए मिलेगा, 1 साल के लिए नहीं, 12 मंथ प्लस 12 मंथ। और अगर आपको सिर्फ 1 साल के लिए चाहिए तो आप ये वाला यूज़ कर लीजिए, 6 मंथ प्लस 6 मंथ। तो यहाँ पे अगर आप कोड यूज़ करते हैं सेम Y 332, ताकि मैक्सिमम डिस्काउंट मिल सके, तो आपको ये 2,759 का मिल जाएगा। उसी तरह जो डिफेंस के हमारे प्यारे नन्हे मुन्ने से बच्चे हैं वो डिफेंस महापैक में जा सकते हैं। इसमें आपको मैकेनिक, इसमें आपको CDS, FCAT, CAPF, ITBP, असम राइफल, टेरिटोरियल आर्मी, है ना, और CISF, अग्निवीर, अग्निवीर का सब कुछ यहाँ पे आपको मिल जाएगा। और यहाँ पे आपने व्यू ऑफर्स यूज़ करना है Y 332, ये भी आपको 2 साल के लिए मिलेगा, और अगर 1 साल के लिए चाहिए आपको तो ये 6 मंथ प्लस 6 मंथ यानी कि 6 महीने के कॉस्ट में आज आपको ये 1 साल का मिलेगा। और अलग से मैं बताना चाहूंगी जो हमारे प्यारे से अग्निवीर के स्टूडेंट्स हैं, तो देखो अग्निवीर इंडियन आर्मी हो गया, अग्निवीर इंडियन नेवी हो गया, तो नेवी का ही देख के बता देते हैं। इसका ना प्राइस ड्रॉप किया गया है ताकि आप लोग आराम से एडमिशन ले सकें, तो 3,599 रुपये डाला गया इसमें। लेकिन मैं बता दूं आपको, अगर हम यहाँ पे Y332 यूज़ करेंगे अगर, ठीक है, और अप्लाई कर देंगे तो आपको 827 रुपये में ये अग्निवीर नेवी का बैच मिल जाएगा। उसी तरह से अग्निवीर वायु है और उसी तरह से अग्निवीर आर्मी है। हम क्वेश्चन का आंसर क्यों नहीं देंगे बताओ। मैम SSC JEE का क्लास कब से स्टार्ट कीजिएगा? मेरा SSC JEE का क्लास स्टार्टेड है। अगर आप YouTube पे 12 बजे आएंगे तो पॉलिटी ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाला है, और ऐप पे अगर आपको जानना है तो वो 9 बजे सुबह में मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट और क्या पूछना है? PDF आपको टेलीग्राम ग्रुप से मिल जाएगा। थैंक यू फॉर द सेशन, होपफुली आपको पसंद आया होगा। आप सेशन को लाइक कर सकते हैं। थैंक यू।